सरकार द्वारा देश के नागरिकों के लिए कम दाम में अनाज वितरण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जनवितरण प्रणाली व्यवस्था कहते हैं, लेकिन इस जनवितरण प्रणाली के सामानों के वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार लिप्त है। ऐसा ही एक उदाहरण बिहार के वैशाली जिले के चकफत्ते गांव में उभर करके आया, जहां डीलर देवेंद्र सिंह द्वारा जनवितरण प्रणाली के सामानों के वितरण में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी और भ्रष्टाचार किया जा रहा था। आपका जो चावल आता है कार्ड पर, कार्ड पर, और गेहूं आता है वो ब्लैक करता है। तब चावल दे हमको सके खाना नहीं मिलता है, निमन चावल नहीं देता है। डीजल डीलर निमन निमन चुन चुन कर रख लेते हैं वो कार मार कर, आ तब चावल हमको सके देते हैं खाएला। पहले जो आपको मिलता था वो 12 रुपए लीटर के हिसाब से मिलता था, अब सुन रहे हैं कि 15 रुपए मिलता है। क्या बात, ये सही है? सही है। यह मुद्दा परिवर्तन जन आंदोलन परिवर्तन केंद्र के द्वारा आयोजित एक जन सुनवाई में उभर करके आया। ये जो आपका राशन दुकान है जिसमें आप तेल इसका डीलरशिप करते हैं, उसमें तेल के कूपन पर लिखा है कि आप 11 रुपए 62 पैसे तक ही ज्यादातर ले सकते हैं, लेकिन आप ले रहे 15 रुपया, सही बात है? 15 रुपए नहीं ले रहे हम लोग, से 15 रुपए काटे हैं ना। तो क्यों लेते हैं? इसलिए हम लोग का मूल्य वृद्धि बढ़ गया इस महीने से। तो मूल्य वृद्धि का कोई सर्कुलर है आपके पास? वही रसीद मिलता है जो होलसेलर से हम लोग तेल उठाते हैं वहाँ का मूल्य वृद्धि का रसीद। लेकिन ऐसा कोई रसीद तो आपके पास है नहीं अभी? एक्स्ट्रा तो नहीं, हाँ तो वो कहीं जेब में से कहीं भूल गया गिर गया इसलिए रसीद नहीं है वो, लेकिन रसीद उसका है जो मूल्य वृद्धि का है। भ्रष्टाचार की इस घेराबंदी को तोड़ना बहुत ही कठिन हो चुका है। जो भी इस घेराबंदी को तोड़ने की बात करता है उसे जान से मार देने की धमकी मिलती है। तो ये देवेंद्र सिंह जो आपके डीलर हुए वो आकर के बरसा जी को कुछ धमकी वगैरह दिया है? हाँ, दिए हैं जनवितरण प्रणाली के वितरण के बारे में। हाँ। जो हमारे दरवाजे पर आएंगे तो हम उनको दशा बिगाड़ देंगे, मतलब मारपीट की बात है। इसमें डीलर जो जनवितरण प्रणाली का वितरण करता है उससे लेकर प्रखंड अनुमंडल जिला के आला अफसर तथा मंत्रियों की घेराबंदी है। तब हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट से मिले और उन्हें 175 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ पब्लिक पिटीशन सौंपा। सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट 29 जुलाई को चकफत्ते पहुंचे। उन्होंने अलग अलग योजनाओं पर बात की, लेकिन जब देवेंद्र सिंह के मामले पर लोग बात करने लगे तो वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। बहुत बार जोर देने पर उन्होंने बात सुनी और बेमन से कहा कि वे कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब पता चला कि जांच के नाम पर इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है तो हम लोगों ने तय किया रैली करेंगे। संगठन के सैकड़ों महिला पुरुष सदस्यों ने मिलकर 4 किलोमीटर पैदल मार्च करके SDM को घेराव किया तथा उनको आवेदन सौंपा। इस बीच में संगठन ने यह फैसला किया है कि हम हार नहीं मानेंगे, हम मुद्दे को दबने नहीं देंगे। साथियों, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ देना चाहेंगे? अगर हाँ तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट महुआ का नंबर नोट करें, 0947319131। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैशाली का नंबर भी नोट करें, 0947148404। साथियों, इन दोनों को फ़ोन करके अपील करें कि भ्रष्टाचार की इस कड़ी को ख़त्म किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है साथियों कि आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ ज़रूर देंगे।